हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 8th चैप्टर कंटिन्यू है। कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज बात करते हैं कवक वो तो पौधों की जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल केवल यांत्रिक हानियों से संक्रमण से रक्षा ही नहीं केवल रक्षा ही नहीं करती है, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच अपनी आपसी संपर्क बनाए रखता है, बनाए रखने के लिए अवांछनीय बृहत अणुओं के अवरोध के लिए, फालतू चीज़ें कोशिका में प्रवेश ना करें इसके लिए भी ज़रूरी है, तथा अवांछनीय बृहत अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। कोशिका शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टोज व मैनोज व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन के बनी होती है। नए पौधे, नव पादप की बात करें, नव पादप कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की एक परिपक्वता के साथ घटती है वह इसके साथ कोशिका के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ती है, भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रखती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव तंतु प्लाज्मोडेमेस्टा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव को जोड़ते हैं। अंतः झिल्ली तंत्र के क्या है, जो देख लेते हैं। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अतः उन्हें झिल्ली तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःपरद्रवी जालिका, गोल्जी कॉय, लैन गाय व रसधानी अंग आते हैं। सूत्रगणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पेरोक्सिसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। अंतरपरद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये कोशिका का बहुत मेन पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात ये पता चला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पतले चपटे व थैली नुमा नलिकावत जालिकाएं जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतरपरद्रवी जालिका कहते हैं। इसका काम बच्चों ट्रांसपोर्टेशन है, कि कोशिका में खाना ट्रांसफर करना और खाने के बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ है या उत्सर्जी पदार्थ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या नॉन डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है, वो कोशिका से इन्हीं जालिकाओं के द्वारा सेल वॉल से बाहर करना और वहाँ से उस पूरी की पूरी बॉडी से उस चीज़ को डिसोशिएट करना, बाहर करना, ये काम गोल्जी उपकरण का है या गोल्जी कॉय का ये काम कह सकते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःपरद्रवी जालिका के बाहर सतह से चिपके रहते हैं, जिसे अंतःपरद्रवी जालिका के सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं, जिसे खुरदुरी अंतःपरद्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःपरद्रवी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं सावरण श्रवण में सक्रिय भाग लेती है, उनमें खुरदुरी अंतःपरद्रवी जालिका बहुतायत से मिलती है। ये काफी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक फैली रहती है। अंतःपरद्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होती है। लिपिड की भांति स्टीराइडल हार्मोन चिकने अंतःपरद्रवी जालिका में बनते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।